नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल। धनु लगन का क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जो पहला भाव है जिसे को हम लगन कहते हैं, अगर वहाँ पर 9 नंबर की राशि है इसका अर्थ है आपका धनु लगन है और चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है 7 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी तुला राशि। अगर आपका कम्बिनेशन धनु लगन व तुला राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपका धनु लगन व तुला राशि का कम्बिनेशन है तो जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए 48 से 50% तक बढ़िया जाने वाला है। ये वो कम्बिनेशन है धनु लगन व तुला राशि का कि जिसमें जिसके लिए कैरियर से जुड़ा महत्वपूर्ण समय आ गया है। जैसे अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में कैरियर से जुड़ा महत्वपूर्ण समय 16 जुलाई से शुरू हो चुका है, और अगर हम धनु लगन की बात करें तो अगस्त के बाद धनु लगन में भी समय शुरू हो जाएगा। तो यानी धनु लगन व तुला राशि के लिए अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा होगा कि जब कैरियर से जुड़ी आपकी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। तो इसलिए अगर आपका एक कम्बिनेशन है तो आपके लिए 48 से 50% तक जुलाई का महीना आपके लिए बढ़िया जाएगा। ये माह काम के लिए आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आपने इस माह में किसी काम की उम्मीद लगाई थी तो वो काम हो सकता है। माह में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य में एक ऐसी अवधि आएगी जब आपके कामों में गति आएगी। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कैरियर से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में लीजिए। व्यापार में कोई काम करना चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट है, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके अलावा जॉब बदलने के लिए मैं कहूँगी कि अभी रुके, जॉब बदलने के लिए अगस्त सितंबर से पहले नहीं। हाँ, आपके पास जो है ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि तुला राशि से जॉब बदलने का समय आ गया है। लेकिन अगर आपका धनु लगन व तुला राशि का कम्बिनेशन है तो अभी थोड़ा सा जॉब बदलने से आप रुके, एक बार थोड़ा सा देख ले, जॉब आपके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बढ़िया लगे तभी आप करें क्योंकि अवसर आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन से अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से धनु लगन व तुला राशि के लिए जुलाई का महीना काफ़ी शुभ रहेगा। धन से जुड़े मामलों में आपको शुभता मिलेगी और अगर आपको कहीं से उम्मीद थी तो वो भी पूरी हो सकती है। धनु लगन व तुला राशि से ये समय ऐसा है कि धनु लगन में तो शनि जो है दूसरे भाव में चल रहे हैं और तुला राशि में शनि चौथे भाव में चल रहे हैं। ये इस बात का संकेत दे रहा है, और शनि वक्री अवस्था में है, कि आपकी अचानक या तो विदेश यात्रा हो सकती है या वर्तमान में जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ का स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों संकेत आ रहे हैं, या तो विदेश यात्रा की या काम के सिलसिले में देश में किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आप चले जाएँ। जो अपने विवाह के लिए प्रयास रखते हैं विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह का रिश्ता उनका तय हो सकता है। इस माह काफ़ी उम्मीद है, लेकिन इस माह एक विशेष बात कि आपको संतान से जुड़ी चिंता इस माह आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत शुभ है, बहुत शुभ रहेगा। मंगल व शुक्र की युति है, प्रेम संबंधों में नज़दीकी बढ़ेगी और कोई गलतफहमी और तनाव था वो भी दूर होगा। ये समय ऐसा है जुलाई का समय कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो हो सकता है प्रॉपर्टी आपकी किराए पे चली जाए और आपको किराए की इनकम होने लगे, या आप अगर प्रॉपर्टी से जुड़े काम में लगे हुए हैं तो प्रॉपर्टी से धन लाभ का समय है। तो ओवरऑल फाइनेंस के हिसाब से धनु लगन व तुला राशि के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। और विशेष बात कि इस माह जो है पिता का कारक सूर्य जो है अष्टम में रहेगा, विशेषकर 16 जुलाई के बाद। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अगर पिता की एज ज़्यादा है और वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दर्शकों, मेरा राशिफल था धनु लगन व तुला राशि के लिए। अगर आपका कम्बिनेशन धनु लगन व तुला राशि का बनता है तो जुलाई के माह से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और अगस्त सितंबर वो आपका समय होगा जब आपके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएँ घटेंगी। और अब वो समय आ गया है कि अब अगर आपने वर्ष 2021 में कुछ प्लान कर रखा था तो उस काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, और ये समय आपका 48 से 50% तक बढ़िया जाएगा। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।